हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिटार लेजेंड। गाइस, आज हम लोग सपना चौधरी जी का सबसे फेमस गाना तेरी आँखियाँ काया काजल सॉन्ग का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग का लेसन करेंगे। और इस लेसन को मैं आपको हार्टबीट स्टाइल में सिखाऊंगा। गाइस, हार्टबीट स्टाइल का सबसे बेसिक एंड सबसे इजी स्टाइल होता है गाइस, उस स्टाइल में मैं आपको ये स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाऊंगा। ओके, सो अगर आपने इससे पहले कभी भी हार्टबीट स्टाइल नहीं प्ले किया गिटार में गाइस, तो फिर ये लेसन आपके लिए है। इस लेसन को आप कंप्लीटली देखो बिना स्किप किए, और इस लेसन के साथ साथ आप हार्टबीट स्टाइल का सबसे बेसिक वेरियंट सीख जाओगे गिटार में प्ले करना। ओके, सो इस लेसन में हमें सिर्फ किक करना है। ओके, किक ना, हमें स्नैर करना है ना और कुछ करना है, ना नेलिंग करना है, हमें सिर्फ किक करना है। ओके गाइस, किक करना है एंड किक प्लस स्ट्रम करना है, एंड इसी तरीके से हम इस हार्टबीट स्टाइल को काफ़ी इजी वे में प्ले कर सकते हैं एंड काफ़ी इजीली सीख भी सकते हैं। सो स्पेशली मैंने बिगनर लोग के लिए इस हार्टबीट स्टाइल को गाइस इस सॉन्ग में ऐड किया है, ताकि मैं बिगनर लोग को सिखा सकूँ हार्टबीट स्टाइल का सबसे पहला लेसन। ओके, इस गाने के साथ। सो गाइस, इस गाने को प्ले करने के लिए हमें तीन बेसिक एंड इजी कॉर्ड्स की जरूरत होगी। सबसे पहला कॉर्ड है ई माइनर कॉर्ड, देन उसके बाद सी मेजर कॉर्ड, देन डी मेजर कॉर्ड। सो गाइस, इन तीन इजी कॉर्ड्स की जरूरत होगी हमें इस गाने को प्ले करने के लिए। आप इन तीन कॉर्ड्स को गाइस ओपन गिटार में प्ले करके आप गाने को प्ले कर सकते हो, लेकिन इस गाने को थोड़ा ओरिजिनल स्केल में लाने के लिए मैं इस गाने को प्ले करने के लिए फोर्थ फ्रेट पे कैपो प्लेस कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं ई माइनर कॉर्ड को प्ले करूंगा, देन सी मेजर कॉर्ड को प्ले करूंगा, देन डी मेजर। ओके गाइस, सो फोर्थ फ्रेट पे कैपो प्लेस करने के बाद हमें ई माइनर कॉर्ड प्ले करना है। सो ये बन जाएगा जी शार्प माइनर। ओके, अगर हम कैपो का जो बारिंग है वो अगर हम हाथ से करेंगे तो ये जी माइनर कॉर्ड है गाइस, जी शार्प माइनर। सो फोर्थ फ्रेट पे कैपो प्लेस करने के बाद ये स्केल हम लोग का हो जाएगा जी शार्प माइनर स्केल। ओके गाइस, सो फोर्थ फ्रेट पे अगर आप कैपो के साथ प्ले करना चाहते हो तो फिर आप फोर्थ फ्रेट पे कैपो प्लेस करके प्ले कर सकते हो ई माइनर, सी मेजर एंड डी मेजर। अगर आप बिना विदाउट कैपो का प्ले करना चाहते हो तो फिर आप कैपो हटा दो, देन ओपन गिटार में ई माइनर, सी मेजर एंड डी मेजर कॉर्ड को प्लेस करके इस गाने को प्ले कर सकते हो। सिर्फ तीन ही कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं इस गाने में गाइस, सी मेजर, डी मेजर एंड ई माइनर कॉर्ड। ओके, सो ये काफ़ी ईजी रहा। सो सबसे पहले अभी हम लोग बढ़ते हैं गाने के इंट्रो में। सो इंट्रो में हम एक काफ़ी प्यारा सा प्लगिंग प्ले करेंगे गाइस, और मैंने इस गाने को बीच में से पिक किया है गाइस ताकि गाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। सो कुछ इंट्रो इस तरीके का प्ले होगा इस गाने का। सपने में तेरा मैं दीदार करता हूँ, जान से ज्यादा जाने मन तने प्यार करता हूँ। ओके गाइस, सो ये काफ़ी इजी प्लगिंग है गाइस, आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, काफ़ी इजी है। अभी आप दो मिनट में चुटकियों में आप इस प्लगिंग को सीख जाओगे। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ई माइनर कॉर्ड पकड़ना है, देन ई माइनर कॉर्ड में हमें प्ले करना है 6, सबसे पहला 6 स्ट्रिंग को हमें प्लग करना है, 6 देन 5 देन 4 देन 3। सो हमें यहाँ पे ऊपर से 6 5 4 3 3 तक सीरियली प्ले करना है, 6 5 4 3। उसके बाद हमें सेकेंड स्ट्रिंग को प्ले नहीं करना है गाइस, हमें डायरेक्ट फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले करना है 1। सो 6 5 4 3 1, सेकेंड स्ट्रिंग को हम लोग नहीं प्ले कर रहे हैं गाइस, 6 5 4 3 1, सेकेंड स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, सो 6 5 4 3 1, उसके बाद 2 3 4, अगेन हमें नीचे से गाइस ऊपर तक आना है। ओके, 6 5 4 3 1 2 3 4, 6 5 4 3 1 2 3 4। ओके, सो ई माइनर कॉर्ड में हमें ऐसे प्ले करना है, 6 5 4 3 1 2 3 4। ओके, देन उसके बाद सी मेजर कॉर्ड, एंड सी मेजर कॉर्ड में हमें 5th स्ट्रिंग से प्ले करना स्टार्ट करना है गाइस,
5 4 3 2 1। सीरियली हमें फिफ्थ स्ट्रिंग से नीचे की तरफ सारे स्ट्रिंग्स को प्लग करते जाना है। 5 4 3 2 1 फिफ्थ स्ट्रिंग से। ओके गाइस, 5 4 3 2 1। उसके बाद 2 3 4, अगेन हमें 2 3 4 करके ऊपर तक आना है। 5 4 3 2 1 2 3 4, ये काफी इजी रहा गाइस। 5 4 3 2 1 2 3 4, सीरियली हमें फिफ्थ स्ट्रिंग से नीचे तक जाना है, देन फोर्थ स्ट्रिंग तक ऊपर वापस आना है। ओके, सी मेजर कॉर्ड में, सो सबसे पहले ई माइनर कॉर्ड में 6 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4, सो ई माइनर एंड सी मेजर कॉर्ड हो गया गाइस। उसके बाद डी मेजर कॉर्ड में भी हमें सेम प्ले करना है, जो हमें हम लोगों ने सी मेजर कॉर्ड में प्ले किया गाइस, वही हमें डी मेजर कॉर्ड में भी प्ले करना है। 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4। ओके, सेम सी मेजर में हम लोगों ने जो प्ले किया डी मेजर में भी वही प्ले करना है गाइस, सिर्फ ई माइनर के लिए हमें अलग प्ले करना है। सो अभी इस इंट्रो को मैं एक बार फिर से आपको प्ले करके सुना देता हूँ। सपने में तेरा मैं दीदार करता हूँ, जान से ज्यादा जाने मन तने प्यार करता हूँ। ओके गाइस, सो इस तरीके का ये इंट्रो प्ले होता है गाइस, एंड इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं गाने के हार्ट बीट स्टाइल की तरफ। ओके, सो ये हार्ट बीट स्टाइल कुछ इस तरीके का प्ले होगा। नीचे से ऊपर तक, तो फिर आप काफी जल्दी हार्ट बीट चैप्टर के अंदर घुस सकोगे, सारे चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकोगे। ओके, सो इस स्टाइल में हमें सिर्फ किक करना है, ना कि हमें स्टेयर करना है, ना कि नेलिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें किक करना है। किक, इसे हम लोग किक बोलते हैं या फिर इसे हार्ट भी बोल सकते हो। हमें अपना इस हिस्से से गिटार के इस जगह में हिट करना है, और ये ध्यान में रखना है गाइस कि इसी जगह में हिट करना है, ना कि इसी इस जगह पे या फिर इस जगह पे। ओके, इस जगह में अगर आप हिट करोगे तो एक अच्छा सा बेस नॉइस निकलता है, जो कि आप सुन सकते हो अभी। और जब आप हिट करोगे तब आप ये ध्यान में रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे टच होना चाहिए, और ये इतना इतना फोर्स से होना चाहिए कि एक अच्छा बेस नॉइस निकल सके, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। ओके, सो ये आप अपने कंफर्ट हिसाब से करोगे, एंड सबसे पहले आप इसे प्रैक्टिस करो। अगर आपने इससे पहले कभी हार्ट बीट स्टाइल नहीं प्रैक्टिस किया, प्ले किया, तो फिर आप इसे सबसे पहले प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 1 2 3 4, जब तक आपका अच्छा बेस नॉइज नहीं निकलता है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गाइस, सो अभी आपको जब पता चल जाएगा कि हाँ अभी ये मेरा अच्छा हो रहा है, एंड आप बोर हो जाओगे इसको सिर्फ बेसिक प्ले करते करते, ऐसे जब आप बोर होने लगोगे तब आप इसे किक करो, एंड साथ ही साथ स्ट्रम भी करो, किक प्लस स्ट्रम, ये प्रैक्टिस करो। ओके,
इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आएगा गाइज, पहले 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 आपको स्ट्रम करने आ जाएगा, फिर किक आएगा, कभी किक का नॉइज़ नहीं निकलेगा, कभी किक का नॉइज़ तो निकलेगा लेकिन स्ट्रम नहीं होगा, लेकिन आपको इसे प्रैक्टिस करके अचीव करना है। ओके गाइज, मैं आपको जितना भी अच्छा से क्यों ना समझा दूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइज तब तक आप इसे नहीं सीख सकते हो। कोई भी चीज़ आप जब खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप समझ भी जाओगे दिमाग से लेकिन आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसे नहीं सीख पाओगे, नहीं अचीव कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहला गोल्डन रूल इज आपको प्रैक्टिस करना है, एंड सेकंड गोल्डन रूल की आपको प्रैक्टिस करना है, एंड थर्ड गोल्डन रूल की आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो किक प्लस ट्रम्प, ये किक प्लस ट्रम्प हो गया गाइस, इसके बाद हमें एक अप स्ट्रोक करना है, अप, ओके, सो ये हमें सिर्फ नॉर्मल अप स्ट्रोक करना है गाइस, ओके, सो तक ही ये स्ट्रमिंग पैटर्न है गाइस, डाउन अप, ओके, सिर्फ एक डाउन स्ट्रोक एंड अप, एक अप स्ट्रोक, ओके गाइस, यही ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। और अगर आप इसे डाउन अप स्ट्रोक को कंटिन्यूअसली करते रहोगे स्पीड में, तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोग का बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग डाउन स्ट्रोक करेंगे गाइस, उसमें हमें किक करना है एंड स्ट्रम करना है एक साथ। ओके, सबसे पहला डाउन स्ट्रोक में हमें किक एंड स्ट्रम एक साथ में करना है, फिर उसके बाद जो हम लोग अप स्ट्रोक करेंगे वो हमें नॉर्मल अप स्ट्रोक करना है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें अप स्ट्रोक करना है, ओके, सो डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। और आप इस डाउन स्ट्रोक को किक के साथ जो आप डाउन स्ट्रोक करोगे गाइस, उसे आपको अपने इंडेक्स फिंगर से नहीं करना है, आपको मिडिल फिंगर यूज करना है, या फिर आप मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर एक साथ यूज कर सकते हो। ओके, आप दोनों फिंगर को एक साथ यूज कर सकते हो गाइस, या फिर आप ओनली मिडिल फिंगर को यूज कर सकते हो, एंड आप इस इंडेक्स फिंगर को यूज मत करो। किक प्लस ट्रम, ओके, सबसे पहले आप इसे प्रैक्टिस करो, इसे अचीव करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, आप इसे पेशेंसफुली पीसफुली आप इसे प्रैक्टिस करो ठंडे दिमाग से। ओके, आपको ज़रा भी पैनिक नहीं होना है, ज़रा भी कॉन्फ्यूज भी नहीं होना है, आपको थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिस करते रहो पूरे दिन में, 10-15 मिनट करके। ओके, बहुत जल्दी आप इसे सीख जाओगे, और जब आप ये किक प्लस ट्रम सीख जाओगे ना गाइस, तब आप हार्ट बीट स्टाइल में घुस चुके हो। ओके, ये किक प्लस ट्रम, ओके, सो इसके बाद हमें एक अप स्ट्रोक करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, ओके, सो ये डाउन अप स्ट्रोक को जब हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे तो इस तरीके के पैटर्न बन जाएगा गाइस। स्ट्रिंग्स को म्यूट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कॉर्ड्स पकड़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आप सिर्फ एक ही कॉर्ड में, एक ही सिंपल कॉर्ड में इस पैटर्न को प्रैक्टिस करो, जब आप कंफर्टेबल होने लगोगे तब आप कॉर्ड्स चेंज करना स्टार्ट करो। ओके गाइस, सो यही था गाइस ये हार्टबीट स्टाइल का लेसन, और इस सॉन्ग का अभी कॉर्ड्स प्रोग्रेशन, टाइमिंग एंड सारे कुछ चीज़ों का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस गाने का कवर प्ले करूंगा, और हमेशा की तरह मैं कॉर्ड्स को स्क्रीन में डिस्प्ले करता रहूंगा गाइस, ताकि आप लोग कॉर्ड्स को देख देख के मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको, मेरे साथ प्ले कर सको, या फिर आके पेपर में कॉर्ड्स को सीरियली लिरिक्स के साथ लिख सको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपने में तेरा मैं दीदार करता जान से ज्यादा, जाने मन तने प्यार करता।
आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आज आप नए आए हो गाइस तो फिर आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा गाइस, वहाँ पे आप क्लिक कर दे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।